जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे, जिससे कि हमेशा आपको मोटिवेट होते रहे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी राशि के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जिसका नाम है आपका भला होगा। और यूनिक टॉपिक है, लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे। जीवन में जो लोग हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो कभी भी किसी का जाने अनजाने में दोनों में अहित देख ही नहीं सकते हैं, उन्हें अगर पता है कि ये चीज़ इस तरह से है, तो वो बिल्कुल आपकी मदद करते हैं और उस पर आपको बता देते हैं। और ऐसे जो राशिगत तादाद, आपकी राशि के लोग ऐसे तादाद के बहुत ज़्यादा हैं। इवन मैं तो यहाँ तक कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप भी कुछ ऐसे ही हैं। देखिए, मैं अतिशयोक्ति नहीं विश्वास रखता हूँ, लेकिन आप भी कुछ ऐसे ही हैं। तो आपका भला होगा, अब टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है, इसमें आप इंक्लूड हो गए हैं। अब आप आगे की बात समझिए। हम भला करने की सोचते हैं और हो जाता है हमारा खुद का बुरा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है और आपने इस चीज़ को अनुभव भी किया होगा। पैसे दिए, हम बड़े आर्थिक हालात से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी हमने उसके हालातों को देखकर या उसके सिचुएशन को देखकर पैसे दिए और आज ये कंडीशन हो गई जीवन में, हम कहाँ पहुँच गए। दूसरी बात कि हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं एक अलग भाव से, और सामने वाला व्यक्ति उसे एक अलग भाव में ले लेता है। ये चीज़ आपके साथ बहुत घटित होती है। तो इस परेशानी को हल जो है वो ये है कि नेकी करना है, दरिया में डालना है, आप भला करते रहें। क्योंकि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भला होगा, आपका भला होगा अगर आप लोगों का भला करेंगे तो। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। तो आप नेकी करके दरिया में डालने में विश्वास रखते हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ आपको, और आपको ये बात पता भी है। नेकी करो और उसे भूल जाओ। पर दूसरी बात इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी व्यक्ति का हित चाहते हैं आप, तो खुद के हाथ बचाकर कोई भी काम करें। ये आपके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूँ कि हो सके तो पर्दे के पीछे से किसी की मदद करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इवन सामने आकर मदद करने में। गुप्तदान में विश्वास ज़्यादा रखें तो आपको बहुत ज़्यादा भला होगा। तो दोस्तों, ये आपका हमेशा भला हो, मैं यही दुआ आपको करता हूँ। आप जैसे लोगों का हमेशा भला हो जो लोगों की मदद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ईश्वर का नाम लें और हमेशा खुश रहें।